झिंगो में हां गढ़वाली में बोलो तो ओ शिवम तेल लगन दे अच्छा पर ओ का खुठा तो थोने हां हां तो जी तो धानों को ना सट्टी क्यों बोलते हैं? हां तो वैसे तो ना शहरों में आपने बग्वाल मतलब ज्यादा देखा नहीं होगा कैसे मनाते हैं ये बाड़ी दिखाओ तो बाड़ी ओ भाई बाड़ी अच्छा जितनी गाय है तो उतनों के लिए एक एक है तो अब हम जा रहे हैं गाय की पूजा करने के लिए तो देखो इस बाछी का ना बर्थ है वो बिल्कुल भी देखो खा नहीं रही है तो गाय भी ना इस दिन बर्थ रखती है कोई कोई अब बल्द को देख के तो वैसे इतने खतरनाक सींग है ना उनकी कि क्या ही बोले उस ऋषि को ये सभी महिलाएं देवर जी क्यों बोल रहे हैं ए स्कूल क्यों नहीं गए तुम लोग आज हमारी तो छुट्टी है इसने छुट्टी की है शिवांश छुट्टी कर रखी तूने आज पढ़ गए हो ई राम छुट्टी करी तूने आज इसने छुट्टी कर रखी है गाइस हां ये क्या बोल रहा गौरी पैर में फोड़ उनके पैर में फोड़े बताऊं अभी तुझे मैं तो ये देखो ये है मधुमक्खी का छत्ता और अभी ना इससे शहद निकलना था पर उन्होंने ना खुद ही खा दिया है तो ये खराब हो चुका है ये देखो उन्होंने ने पूरा खा दिया है तो और दिन तो ना थोड़ा जल्दी उठ जा रहे थे रोज आजकल टाइम बन गया था जल्दी उठने का पर आज ना पता नहीं कैसे लेट हो गया है और मम्मी ना पीछे कुछ कर रही हैं फटाफट से पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ कि मम्मी क्या कर रही हैं क्या करो हरे पत्ते लाओ कह रहे हैं क्या लाना है धनिया लाओ बोलने जैसे ओके धनिया ला रहे नीचे छे ओके तो मम्मी यहाँ पे दाल पीस रही क्या बना रहे हो मम्मी आज हम स्वाले बना दे स्वाले अच्छा क्या बना रहे आयान हम आज भरा परांठा आप भी खाओगे चना और क्या उसमें देख चीज बनाओ तो उसमें ना धनी की जरूरत तो पड़ती है जरूरत के उसमें ना चार चांद लगा देता है धनिया मतलब कि स्वाद को बढ़ा देता है तो फटाफट से ना धनिया भी तोड़ लेते हैं तो पहला स्वाला पूजा के लिए फटाफट से आज के दिन की भी शुरुआत कर लेते हैं हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी नई वीडियो में उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने अपने घर में सुखी होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे हम भी एकदम बढ़िया हैं तो आज है ना छोटी दिवाली तो आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से भी दिवाली को ना बग्वाल के नाम से भी जाना जाता है तो इसके बारे में दादी बताएंगी कि क्या क्या करते हैं दादी क्या करते हैं बग्वाल के दिन किसको गाय को अच्छा बाड़ी भात और फूल लगाते हैं अच्छा मतलब गाय की पूजा होती है जी पहले उनको मुंह धोना गाय का हाँ फिर उसको बाड़ देना है अच्छा फिर उसे सिंह में तेल लगाते हैं सिंगों में हाँ गढ़वाली में बोलो तो ये जो भात बनाते हैं नई नई उसका बनाते हैं नई सट्टियों का कि अच्छा पुराने भी दे सकते हैं मैं सोचा नई का ही देती हूँ क्योंकि अभी वो करा जाता है ना धानों को ना सट्टी क्यों बोलते हैं धानों को सट्टी सभी बोलते हैं लेकिन ये जानते नहीं है कि सट्टी क्यों बोलते हैं हाँ। धान जो है
तो असली जाति का दान है वो 60 दिन में हो जाता है। अच्छा, इसलिए उसको साठी बोला है। अच्छा, तो साठी साठी से वो सट्टी हो गया। हाँ, सट्टी हो गया। तो साठी में ना 60 दिन में हो जाता है। अच्छा, दो महीने की खेती है ये। हाँ, हाँ। तो इसको इसलिए 60 दिन में होने वाली को खेती को सट्टी सट्टी बोलते हैं। अच्छा, तो कई भाषाएं ऐसे की जिसके बारे में विस्तार से लोगों को जानकारी नहीं है। प्रयोग सभी भाषाएं होती है लेकिन जानते नहीं है। तो वैसे तो ना शहरों में आपने बग्वाल मतलब ज्यादा देखा नहीं होगा कैसे मनाते हैं, ये मैं भी पहली बार देख रही हूँ कि गाय की वगैरह की पूजा करते हैं और कैसे करते हैं। वो आप भी मेरी वीडियो के माध्यम से जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पे अभी दादी दादाजी लोग करने वाले हैं। अभी बस तैयारी कर रही है, खाली खाना बन चुका है आधा और अभी आधा बन रहा है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे कैसे पूजा करते। ताऊ जी बग्वाल बना लिया? नहीं नहीं बना। कब बनाओगे? तब आज ही तो है। तो यही करना है पूजा। ये बात बन रहा है। अच्छा, बाहर बाड़ी बना रहे हैं। बाड़ी का बन रही है? बाड़ी। हाँ, बाड़ी। तो इधर की साइड बन रहा है बाड़ी। ओ बाड़ी। तो बाड़ी ये कुकर में बनती है क्या? नहीं, ये बन रही है बाड़ी। दिखाओ तो बाड़ी। ओ भाई बाड़ी, तो ये बन गया बाड़ी हलवा अभी। हाँ, हलवा जैसा। इसमें चीनी डाल देंगे तो हलवा ही हो जाएगा वो। है दाल बनती है, तो ये दाल वगैरह सब कुछ बन रहा है। तो ये बग्वाल की तैयारी होने लग गई है चाची। तो ये ऐसे गोल गोल बाड़ी बना रहे हैं। हाँ, तो बाड़ी के ये इससे कैसे क्या करते हैं, मतलब ऐसे क्यों बनाते हैं ये? अच्छा, जितनी गाय है तो उतनों के लिए एक एक है। अच्छा अच्छा, सातों के लिए बनेगा। सात बन गए, तीन और ऊपर हैं। अच्छा, उनको भी दोगे मतलब? हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ सही है। और क्या गरम हो रखा होगा ना? भात। ओ भात भी हो गया है जी। तो भात भी अलग अलग रखना पड़ेगा? नहीं, अच्छा उसी के साथ साथ। हाँ, आज गाय कह रही होगी फर्स्ट क्लास, मुझे तो आज दावत मिल रही है। वही तो, प्रकार की। हाँ, तो दाल भी रखनी है कि भात ही भात? भात और बाड़ी है, नहीं तो मिर्च लग जाएगी। मिर्च वाला नहीं देना है ना। अच्छा अच्छा, किसी किसी का तो बर्त रहता है। मतलब बर्त किसका? इंसानों का, गाय का। खाती नहीं ना। अच्छा, तो दिन भर भूखी रहेंगी वो? मतलब वैसे रहती है, भात नहीं खाती है इस चीज का। अच्छा, बाकी घास फूस तो खाएगी। अच्छा अच्छा, तो उसको बर्त बोला जाता है फिर? इसका बर्त रखती है ना, पर कोई गए। अच्छा, ऐसा भी होता है। तो अच्छा, इसके भी ऐसे गोले गोले बनाने पड़ेंगे। सही है। चाची ने इस तरीके से सभी उसमें एक एक फूल लगा दिया। सब में लगाना जरूरी है ये? अच्छा, हो गया। बस हो गया सब में। तो अब हम जा रहे हैं गाय की पूजा करने के लिए। सारे पकवान बना दिए हैं और चाची ने मिठाई वगैरह भी ले ली है। चलते हैं फटाफट से गौशाला में। गाय की पूजा करी जाती है। चाची सभी गाय के पैर धो रही हैं, उनका मुंह धो रही हैं और उनके सींगों में तेल भी लगा रही हैं और फिर उन्हें जो बना रखा है पकवान वो खिलाया जा रहा है। गेंदा हटा दे, गेंदा नहीं खाना वेल।
तो देखो इस बाछी का ना बर्थ है, वो बिल्कुल भी देखो खा नहीं रही है, बाकी घास वगैरह खा रही है पर वो जो बना रखा है उसके लिए वो नहीं खा रही है यहाँ पे। तो गाय भी ना इस दिन बर्थ रखती है, कोई कोई घास वगैरह तो खाती है, पानी वगैरह पीती है, पर जो उनके लिए बाड़ी वगैरह अन्न बोला जाता है जिसे, वो नहीं खाती है। तो एक बाछी ने नहीं खाया यहाँ पर। अब ऊपर की छन्नी में जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पर कौन सी गाय का बर्थ है आज। अब यहाँ पे ऊपर वाली छन्नी में भी सारी गाय बाछी और बल्द की पूजा कर रही हैं। अब बल्द को देख के तो वैसे इतने खतरनाक सींग है ना उनकी कि क्या ही बोले, वो पता नहीं लगाने देंगी कि नहीं लगाने देंगी, देखते हैं अभी। तो अब यहाँ पे इन दो बवा गायों को क्यों छोड़े, क्योंकि आज गायों का त्योहार है तो उनको भी खिलाना जरूरी है। तो सोना उसकी पूजा कर रही है अब। तो डर भी रहा है। अरे वो सोच रहा है कहीं मेरे को मारने तो नहीं आ रहे, तो सोना कर रही है उसकी पूजा। सोना भी सीख रही है यहाँ पे, मतलब है ना सोना सीख रही है सोना की कैसे कैसे पूजा करते हैं। कई भाषाएं ऐसी हैं कि नारद जी के लिए देवता लोग देव ऋषि बोल रहे थे। अच्छा। तो कोई महिला उस नाटक को देख रही थी। हाँ। तो उसकी समझ में नहीं आया, वो बोले उस ऋषि को ये सभी महिलाएं देवर जी क्यों बोल रहे हैं। ऋषि नहीं समझा उन्होंने, देवर जी है। हाँ, वो तो देव ऋषि बोल रहे हैं। हाँ। और वो समझ रहे हैं देव ऋषि। तो ऐसी भी कुछ भाषाएं हैं जिनको विस्तार से बताना पड़ता है, वही तो, और समझने की भी कोशिश करनी चाहिए।